नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में अपन राजस्थान के किलों के बारे में देख रहे थे, तो आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर और कौन कौन से महत्वपूर्ण किले हैं जिनसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अपन ने लगभग राजस्थान के जो बड़े किले थे उनके बारे में देख लिया, और जो छोटे छोटे किले बसते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक किला है शेरगढ़ किला। तो शेरगढ़ किला जो है ये धौलपुर के अंदर भी है, और एक शेरगढ़ किला जो है ये बारां के अंदर भी है। तो पहले हम देखते हैं शेरगढ़ किला जो कि धौलपुर के अंदर है। शेरगढ़ दुर्ग या फिर किला कहाँ पे स्थित है ये? तो धौलपुर के अंदर भी है और बारां के अंदर भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर सेम नाम से कोई किला दो जगह पे है, जैसे कि शेरगढ़ किला है धौलपुर में भी है और बारां के अंदर भी है, तो इस प्रकार के जो किले हैं उससे प्रश्न पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले हम बात कर रहे हैं शेरगढ़ किला धौलपुर के बारे में। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था? तो लगभग राजस्थान के जो किले हैं उनका निर्माण किसी ना किसी राजा ने करवाया, लेकिन इस किले का निर्माण जो है ये एक सामंत ने करवाया था। तो सामंत कौन होते हैं? जैसे एक राजा है उसके पास जो प्रमुख जगह होती है वो राजा के पास होती है, लेकिन छोटी छोटी जागीर होती हैं, जो छोटी छोटी उनकी और रियासतें होती हैं जिनको जागीर भी बोलते हैं, वो सारी की सारी राजा नहीं देखता। तो उन जागीर को जो देखते हैं वो है सामंत। तो सामंत अलग अलग जगह पे जो छोटी छोटी जागीर होती हैं राजा की और जो जगह होती हैं उनको सामंत देखते हैं। तो सामंत ने करवाया था शेरगढ़ किले का निर्माण। कौन से सामंत ने? तो मालदेव नाम का एक सामंत था, उसने शेरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे इसका निर्माण पूछा जाए कि शेरगढ़ किला जो कि धौलपुर के अंदर स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मालदेव नाम का एक सामंत था उसने इस किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव सामंत ने। तो इसका निर्माण किसी राजा ने ना करवा के किसी सामंत ने करवाया था, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ मुख्य इमारतें बनी हुई हैं। तो कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं जो कि इस किले के अंदर बनी हुई हैं? एक तो इसमें बनी हुई है दरगाह। किसकी दरगाह बनी हुई है? अगर हम मुख्य इमारतों की बात करें तो कौन कौन सी इमारतें बनी हुई हैं? एक हमने देखा कि इसके अंदर एक दरगाह बनी हुई है। किसकी दरगाह बनी हुई है? सैयद हुसैन की दरगाह बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सैयद हुसैन की दरगाह। तो एक तो बनी हुई है दरगाह और एक इसके अंदर तोप रखी हुई है। तो कौन सी तोप रखी हुई है इस किले के अंदर? हुनहुकार तोप जो है वो धौलपुर का जो शेरगढ़ किला है इसके अंदर रखी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कौन सी तोप रखी हुई है? हुनहुकार तोप। ये जो तोप है ये कौन से किले में रखी हुई है? तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि हुनहुकार तोप कौन से किले में रखी हुई है? तो कौन से किले में रखी हुई है? धौलपुर का जो शेरगढ़ किला है जिसका निर्माण एक मालदेव नाम का सामंत था उसने इस किले का निर्माण करवाया था। तो यह आपको इस किले के बारे में ध्यान रखना है। इस किले का नाम शेरगढ़ किसने दिया था? इसका नाम चेंज हुआ था, पहले इसका नाम शेरगढ़ नहीं था, इस किले का नाम जो है शेरगढ़ ये दिया था शेरशाह सूरी ने। तो इसका नाम परिवर्तन किसने करा था? नाम परिवर्तन करा था शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? इसका नाम बदल के कर दिया शेरगढ़। तो नाम परिवर्तन शेरशाह सूरी ने किया था, क्या कर दिया परिवर्तित करके? शेरगढ़ इस किले का नाम कर दिया। तो ये धौलपुर का जो शेरगढ़ किला है उसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं बारां के अंदर भी शेरगढ़ किला है, तो बारां का जो शेरगढ़ किला है उसके बारे में देख लेते हैं। शेरगढ़ किला या फिर शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है बारां में। अगर हम नदी की बात करें, ये जो किला है बारां वाला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो अपन ने देखी है बारां के अंदर एक नदी बहती है परवन नदी, जहाँ पे एक परियोजना भी चल रही है। तो कौन सी परियोजना चल रही है ये आप लोग बताओगे, ठीक है। तो उसी नदी के किनारे ये जो किला है शेरगढ़ किला बारां के अंदर ये बना हुआ है। तो कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है?
यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि 12 का जो शेरगढ़ किला है कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है। अगर कोई किला किसी नदी के किनारे बना हुआ है तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बना हुआ है परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे ये जो किला है ये बना हुआ है। ये जो किला है 12 का जो शेरगढ़ किला है, इस किले को कोस वर्धनगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक दूसरा नाम है इस किले का, किस नाम से जाना जाता है? कोस यानी खजाना, तो कोस वर्धनगढ़ किले के नाम से, गढ़ यानी किला हो गया, तो इसको बोला जाता है कोस वर्धनगढ़, कोस वर्धनगढ़। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोस वर्धनगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो ये बोला जाता है 12 के अंदर जो शेरगढ़ किला है उसी को बोला जाता है कोस वर्धनगढ़। या फिर शेरगढ़ ना देखे हमसे पूछ सकता है कि कोस वर्धनगढ़ किला गढ़ आ गया, तो यानी कि कोस वर्धनगढ़ जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ये कौन सी नदी के किनारे है अब आप लोग बता सकते हो, ये परवन नदी के किनारे स्थित है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो और कौन सा किला है 12 के अंदर? एक किला और है, कौन सा किला है? शाहबाद किला, उसके बारे में भी देख लेते हैं। 12 में ये शाहबाद किला, शाहबाद किला, इस किले का निर्माण किसने करवाया था? ये हमने देख लिया कि किला कहाँ पे स्थित है, तो ये है 12 के अंदर। तो कोई भी किला कहाँ पे स्थित है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, निर्माण किसने करवाया वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी मुख्य इमारतें बनी हुई हैं, अगर किसी नदी के किनारे है तो कौन सी नदी के किनारे ये जो किला है ये स्थित है, अगर इसका कुछ नाम में परिवर्तन हुआ है या फिर अगर उसका पुनर्निर्माण हुआ है, तो ये सारी चीजें जो है ये किले के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो अगर हम इसके निर्माण की बात करें, शाहबाद किला जो कि 12 के अंदर स्थित है, तो 12 में एक तो अपन ने देखा जो शेरगढ़ किला है ये भी 12 में है, और शाहबाद किला ये भी कहाँ पे स्थित है? 12 के अंदर है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था मुकुटमणि देव चौहान ने। तो एक चौहान राजा हुए थे मुकुटमणि देव चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण किसने करवाया था। इसके अंदर भी कुछ मुख्य इमारतें बनी हुई हैं, तो कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं जो कि शाहबाद किले के अंदर बनी हुई हैं? अगर हम मुख्य इमारतों की बात करें, कौन कौन सी इमारतें बनी हुई हैं इसमें? एक तो इसमें बना हुआ है बादल महल, काफी प्रसिद्ध है बादल महल। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बादल महल कौन से किले के अंदर स्थित है। तो 12 का जो शाहबाद किला है जिसका निर्माण मुकुटमणि चौहान ने करवाया था, इस किले के अंदर बादल महल जो है ये स्थित है। तो यह आपको ध्यान रखना है, बादल महल कौन से किले में स्थित है, कौन से किले में है? तो ये है शाहबाद किले के अंदर। एक इसके अंदर है नवल बाण तोप, तो इस किले में भी एक तोप रखी हुई है, कौन सी तोप है? नवल बाण तोप, कौन सी तोप रखी हुई है? नवल बाण तोप, तो ये एक तोप रखी हुई है इस किले के अंदर। एक तो इसमें महल बना हुआ है बादल महल, और एक इसके अंदर रखी हुई है तोप। तो ये शाहबाद किले के बारे में आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। और कौन कौन से किले हैं उनके बारे में देखते हैं, पहले यहाँ तक लिख लो आप लोग। अगला किला है मांडलगढ़ किला, तो मांडलगढ़ किला कहाँ पे स्थित है? मांडलगढ़ किला जो है ये स्थित है भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ किला कहाँ पे स्थित है ये ध्यान रखना आपको, कौन सा किला कहाँ पे स्थित है? तो ये किला स्थित है भीलवाड़ा के अंदर। अगर हम इसके निर्माण की बात करें, इस किले का निर्माण किसने करवाया था? इस किले का निर्माण करवाया था चांदना गुजर ने, मांडल भील की याद में। तो यह आपको ध्यान रखना है, मांडल नाम का एक भील हुआ था, उसकी याद में चांदना गुजर ने इस किले का निर्माण करवाया था। तो किसने निर्माण करवाया था? चांदना गुजर ने इस किले का निर्माण करवाया था, किसकी याद में? मांडल भील की याद में
चांदना गुर्जर ने मांडल भील की याद में, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तो मांडल भील की याद में बनवाया है, तो मांडलगढ़ इस किले का नाम पड़ गया मांडल भील की याद में। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मांडलगढ़ किला है जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो चांदना गुर्जर ने इसका निर्माण करवाया था और मांडल भील की याद में इस किले का निर्माण करवाया था। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो ये जो किला है कौन सी आकृति में बना हुआ है, अगर हम आकृति आज से पूछी जाए, आकृति भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, अगर किसी किले की आकृति हमें पता है, हमें आकृति अगर दे रखी है तो वो आपको ध्यान होनी चाहिए। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी किले से संबंधित, कौन सा किला, इस किले की आकृति क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मांडलगढ़ किला है, ये जो किला है ये वृत्ताकार आकृति में बना हुआ है। तो कैसे बना हुआ है, वृत्ताकार आकृति में, तो ये किला बना हुआ है वृत्ताकार आकृति में। इस किले के अंदर कुछ मुख्य इमारतें भी बनी हुई है, तो कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं जो कि इस किले के अंदर बनी हुई है। अगर हम मुख्य इमारतों की बात करें, मुख्य इमारतें, तो कौन कौन सी इमारतें बनी हुई हैं इसमें, एक तो इसमें बना हुआ है शीतला माता का मंदिर, तो किसका मंदिर बना हुआ है, शीतला माता का मंदिर। हमने देखा था जब हम मेले त्योहार देख रहे थे, शीतला अष्टमी मनाई जाती है, तो शीतला अष्टमी पे किसकी पूजा होती है, शीतला माता की। तो शीतला माता का जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर जो किला है मांडलगढ़ किला, इस किले के अंदर भी ये मंदिर जो है बना हुआ है। और इसमें क्या बना हुआ है, एक इसके अंदर सागर सागरी जलाशय बना हुआ है। तो क्या बना हुआ है, सागर सागरी जलाशय। तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न जो है वो बनते हैं, तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है सागर सागरी जलाशय जो है कौन से किले में स्थित है, शीतला माता का मंदिर कौन से किले में बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखने है। यहाँ पे एक मंदिर और भी बना हुआ है, तो कौन सा मंदिर बना हुआ है, एक यहाँ पे शिव जी का मंदिर बना हुआ है, तो क्या नाम है उसका, कुंडेश्वर महादेव मंदिर। तो देखो नाम में ही क्या आ रहा है, महादेव मंदिर, तो महादेव आते ही हमें पता चल गया शिव जी का मंदिर है, तो कुंडेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा मंदिर है, कुंडेश्वर महादेव मंदिर। ये जो मंदिर है ये भी इसी किले में बना हुआ है। तो ये कुछ मुख्य इमारतें जो कि इस किले के अंदर बनी हुई हैं। और इस किले की क्या विशेषता है, एक हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, आप सभी जानते होंगे हल्दीघाटी युद्ध के बारे में, किसके बीच में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। तो अकबर की सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, आमेर के जो मान सिंह हैं, तो आमेर के मान सिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। जब मान सिंह हल्दीघाटी युद्ध के लिए जा रहे थे तो पहले इस किले में रुके थे, तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि मान सिंह जो है वो हल्दीघाटी युद्ध में जाने से पहले ये जो मांडलगढ़ किला है भीलवाड़ा का, इसमें रुके थे। तो कौन रुके थे इसमें, मान सिंह। तो मान सिंह कहाँ के राजा थे, ये थे आमेर के, जो कि जयपुर में पड़ता है आमेर के, लेकिन ये किसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये कर रहे थे अकबर की सेना का नेतृत्व। इन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो मानसिंह जो है ये हल्दीघाटी युद्ध में जाने से पहले, हल्दीघाटी युद्ध से पहले इस किले में रुके थे। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, इस किले में रुके थे, बाकी जो हल्दीघाटी युद्ध है उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ोगे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे हम मोटा मोटी देख रहे हैं कि मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, लेकिन अकबर की सेना को लीड किया था मानसिंह ने। तो हम बोल सकते हैं कि मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये जो युद्ध है हल्दीघाटी का युद्ध, ये हुआ था। तो युद्ध में जाने से पहले, इस युद्ध में जाने से पहले मानसिंह जो है ये मांडलगढ़ किले में रुका हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मांडलगढ़ किले के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है।
और कौन सा किला है जो कि महत्वपूर्ण है? एक है भैंसरोडगढ़ किला। तो कहाँ पे स्थित है? अपन ने एक जगह देखी थी भैंसरोडगढ़, बताओ कहाँ पे है ये जगह है? तो भैंसरोडगढ़ किला है चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पे है ये किला स्थित है? चित्तौड़ के अंदर। इस किले की क्या क्या विशेषताएं हैं? इस किले की एक प्रमुख विशेषता है, क्या विशेषता है? ये जो किला है भैंसरोडगढ़ किला, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर कौन से किले को बोला जाता है? तो कौन से किले को बोला जाता है? भैंसरोडगढ़ किला जो कि चित्तौड़ के अंदर स्थित है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है राजस्थान का वेल्लोर। तो अब से आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का वेल्लोर कौन से किले को बोला जाता है? ये बोला जाता है जो भैंसरोडगढ़ किला है जो कि चित्तौड़ के अंदर स्थित है, इस किले को बोला जाता है राजस्थान का वेल्लोर। अगर हम नदियों की बात करें तो ये जो किला है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो एक तो हमने देखा चित्तौड़ के अंदर चंबल नदी जो है वो चित्तौड़ से होते हुए प्रवाहित होती है, तो ये जो किला है ये है चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है। तो यह आपको ध्यान रखना है, नदियां जहां पे किसी कोई भी किला अगर नदी के किनारे है तो वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम भैंसरोडगढ़ किले की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? ये बना हुआ है चंबल तथा बामनी नदी के किनारे। दोनों नदियों के बारे में देखा है अपन ने, जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी थी तो अपन ने नदियों के बारे में देख लिया था। तो कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? चंबल नदी और बामनी नदी के किनारे। तो यह आपको ध्यान रखना है, भैंसरोडगढ़ किला हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको स्टार लगा लेना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, राजस्थान का वेल्लोर कौन से किले को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है भैंसरोडगढ़ किले को। अगला किला है, और कौन से किले हैं? एक आपने नाम सुना होगा ऊंटाला का किला। कहाँ पे स्थित है ऊंटाला का किला? ये जो किला है ये है उदयपुर के अंदर। तो ऊंटाला का किला कहाँ पे है? देखो उसे ही ऊंटाला का किला, उसे क्या बन रहा है उदयपुर, और उसे क्या है ऊंटाला किला। कहाँ पे स्थित है? ये है उदयपुर के अंदर, ये है उदयपुर के अंदर। इस किले की एक विशेषता है, क्या विशेषता है? और वहां से कई बार प्रश्न बना हुआ है, इस किले की विशेषता है कि इस किले में हरावल प्रतियोगिता हुई थी। हरावल प्रतियोगिता क्या होती है? हरावल क्या होता है? कोई भी सेना जब युद्ध में जाती है तो सेना का नेतृत्व जो करता है वो कौन होता है? हरावल, यानी कि सेना का अगला भाग जो कि सेना का नेतृत्व करता है वो क्या कहलाता है? हरावल। तो इस किले के लिए यानी ऊंटाला के किले के लिए हरावल प्रतियोगिता हुई थी, और किसके टाइम पे हुई थी यानी कौन से राजा के समय हुई थी? तो ये हुई थी अमर सिंह प्रथम के समय। अमर सिंह प्रथम जो है वो उस टाइम पे मेवाड़ के महाराणा थे। तो अमर सिंह प्रथम जो कि मेवाड़ महाराणा थे, अमर सिंह प्रथम, तो अमर सिंह प्रथम के समय ऊंटाला का किला जो है यहाँ पे हरावल प्रतियोगिता हुई थी। तो हरावल समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है। जब भी मान लो कोई बाह्य आक्रमणकारी आक्रमण करता था, कोई युद्ध के लिए आता था, तो सेना को जो लीड करते थे, एक तो होता है सेना का पीछे वाला भाग और एक होता है सेना का आगे वाला भाग जो कि लीड करता है पूरी सेना को। तो आगे वाला भाग जो लीड करता है उसे बोलते हैं हरावल। अब हरावल के लिए लड़ाइयाँ होती थी, कोई टुकड़ी बोलती थी कि हम लीड करेंगे, दूसरी बोलती थी कि हम लीड करेंगे, तो ये हरावल के लिए लड़ाई बोल सकते हैं या फिर हरावल के लिए प्रतियोगिता हुई थी। तो किस किस के बीच में हुई थी ये प्रतियोगिता? तो किनके बीच में हुई थी ये प्रतियोगिता? ये हुई थी चुंडावत और सक्तावतों के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो हरावल प्रतियोगिता हुई थी या फिर हम बोल सकते हैं कि हरावल लड़ाई किनके बीच में हुई थी? ये हुई थी चुंडावत और सक्तावतों के बीच में। तो चुंडावतों व सक्तावतों के बीच में, तो दोनों के बीच में हरावल के लिए लड़ाई हुई थी। सक्तावतों ने बोला कि हरावल यानी सेना का नेतृत्व हम करेंगे, और चुंडावतों ने बोला कि
की सेना का नेतृत्व हम करेंगे। तो इनके बीच में फिर अमर सिंह फर्स्ट जो है इन्होंने एक प्रतियोगिता रख दी थी कि जो भी जीतेगा वही सेना का नेतृत्व करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि जिस टाइम पे ये प्रतियोगिता हो रही थी उस टाइम पे अपने यहाँ पे मुगलों ने राज कर रखा था, तो कौन था इस टाइम पे ये जो किला है उंटाला का किला किसके अंडर में था? तो जहांगीर के शासनकाल की बात है, उस टाइम पे इस किले पे जहांगीर ने शासन कर रखा था, यानी जहांगीर ने कब्जा कर रखा था और राजा थे यहाँ पे अमर सिंह प्रथम। ठीक है, ये किला महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा उंटाला का किला कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी, हरावल प्रतियोगिता। हरावल क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, प्रतियोगिता किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी चुंडावतों व सक्तावतों के बीच में। चुंडावतों का जो प्रमुख था वो कौन था? तो जैत्र सिंह जो है ये तो था चुंडावतों का प्रमुख, जैत्र सिंह। और सक्तावतों का प्रमुख कौन था? तो बल्लू जो है वो था सक्तावतों का प्रमुख। यानी कि सक्तावतों की जो सेना थी उनको कौन लीड कर रहा था? बल्लू लीड कर रहा था। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। और चुंडावतों की जो सेना थी उसको कौन लीड कर रहा था? तो उसको लीड कर रहा था जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह और बल्लू के बीच भी प्रतियोगिता बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी तो उसकी सेना थी, चुंडावतों व सक्तावतों के बीच भी बोल सकते हैं ये जो प्रतियोगिता है। तो यहाँ से देखो कई प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न बन सकता है कि हरावल प्रतियोगिता कौन से किले के लिए हुई थी? तो क्या जवाब होगा? ये हुई थी उंटाला के किले के लिए। कहाँ पे स्थित है ये किला? तो ये है उदयपुर के अंदर। हरावल प्रतियोगिता, अगला प्रश्न क्या बन सकता है? हरावल प्रतियोगिता कौन से राजा के समय हुई थी? तो ये हुई थी अमर सिंह प्रथम के समय। उस टाइम पे जब ये प्रतियोगिता हुई तो कौन से मुगल शासक का यहाँ पे कब्जा था, यानी किसने यहाँ पे ये जो किला है किसके अंडर में था? तो ये था जहांगीर के अंडर में। तो ये भी आप लिख सकते हो उस टाइम पे जहांगीर के कब्जे में था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बन सकता है? हरावल प्रतियोगिता किन किन के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी चुंडावत और सक्तावतों के बीच में। और क्या बन सकता है? सक्तावतों का नेतृत्व यानी सक्तावतों का प्रमुख कौन था हरावल प्रतियोगिता के अंदर, और चुंडावतों का प्रमुख कौन था? तो ये इस किले के बारे में, ये जो हरावल वाली प्रतियोगिता है ये काफी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने उंटाला के किले के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें थी जिनके बारे में देख लिया। और कौन सा किला है? एक दोसा का किला भी काफी प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, उसके बाद अपन देखते हैं दोसा का किला। तो अगला किला देखते हैं दोसा का किला, कहाँ पे स्थित है? दोसा के अंदर, दोसा का किला। तो ये किला कहाँ पे स्थित है? दोसा के अंदर है। कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? तो यहाँ से प्रश्न बनता है दोसा का किला कौन सी पहाड़ी पे स्थित है। अगर आपसे पहाड़ी पूछा जाए, पहाड़ी भी अगर किसी किले की पूछी जा रही है, यानी अगर हमें दे रखा है कोई भी किला है किसी पहाड़ी पे स्थित है, तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सी पहाड़ी पे है दोसा का किला? ये किला है देवगिरी पहाड़ी पे, देवगिरी पहाड़ी पे। तो कौन सी पहाड़ी पे है? देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगर आकृति की बात की जाए, दोसा का जो किला है कौन सी आकृति में बना हुआ है? तो कौन सी आकृति में बना हुआ है, इसकी आकृति आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। कौन सी आकृति में बना हुआ है ये किला? बना हुआ है छाजले की आकृति में। तो छाजला जानते हो आप लोग, गांव के अंदर देखा होगा इस टाइप का सा एक होता है छाजला। ठीक है, तो इस टाइप का सा होता है छाजला। तो ये बना हुआ है छाजले की आकृति में, छाजले की आकृति में। तो यह आपको ध्यान रखना है, एक अलग प्रकार की आकृति है जो कि अभी तक हमने नहीं देखी थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी आकृति में है, छाजले की आकृति में। तो इस किले के बारे में आपको ध्यान रखना है कौन सी पहाड़ी पे है, देवगिरी पहाड़ी पे। कौन सी आकृति में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है छाजले की आकृति।
तो ये आपको दौसा के किले के बारे में कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। और कौन सा किला है? एक उदयपुर के अंदर है सज्जनगढ़ दुर्ग, उसके बारे में भी देख लेते हैं। कौन सा किला है? सज्जनगढ़ दुर्ग। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है सज्जनगढ़ किला या फिर दुर्ग। नाम से क्या पता चल रहा है? जब आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मेवाड़ के अंदर एक राजा हुए थे उदयपुर के अंदर सज्जन सिंह, तो मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सज्जनगढ़ किला। कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है ये किला? तो ये किला स्थित है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। निर्माण किसने करवाया था? अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया था मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया सज्जनगढ़ दुर्ग। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह, सज्जन सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। एक उदयपुर के अंदर एक सज्जनगढ़ अभयारण्य भी है। कौन सा अभयारण्य है? सज्जनगढ़ अभयारण्य। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है सज्जनगढ़ अभयारण्य। तो ये जो किला है ये कहाँ पे स्थित है? सज्जनगढ़ अभयारण्य के अंदर। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य है, वहीं पे ये जो किला है सज्जनगढ़ किला ये स्थित है। ये जो सज्जनगढ़ किला है इसको और भी कई नामों से जाना जाता है जो कि काफी प्रसिद्ध है, तो इसको सज्जनगढ़ से ना पूछ के इसके जो दूसरे नाम है उनसे प्रश्न बनता है। और कौन कौन से नाम है इस किले के, किस नामों से जाना जाता है, तो किन किन नामों से जाना जाता है? अगर हम इसके अन्य नामों की बात करें जो कि काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न जो बनता है वो सज्जनगढ़ से ना बन के इस किले को जो दूसरे नामों से जाना जाता है वहां से बनता है। तो क्या बोला जाता है? एक तो इसको बोला जाता है वाणी विलास पैलेस, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है वाणी विलास पैलेस। क्या पूछा जाता है, क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न बनता है कि वाणी विलास पैलेस कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर जो सज्जनगढ़ किला है उसी को बोला जाता है वाणी विलास पैलेस। तो यह आपको ध्यान रखना है वाणी विलास पैलेस। और क्या प्रश्न बनता है, यानी और किन नामों से इसको जाना जाता है? एक इसको बोला जाता है मेवाड़ का मुकुट मणि। तो क्या बोला जाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, मेवाड़ का मुकुट मणि बोला जाता है। तो प्रश्न बनता है सीधा सीधा मेवाड़ का मुकुट मणि कौन से किले को बोला जाता है? कौन से किले को बोला जाता है? उदयपुर का जो सज्जनगढ़ किला है, तो उदयपुर मेवाड़ के अंदर पड़ता है, उदयपुर का जो सज्जनगढ़ किला है उसको बोला जाता है मेवाड़ का मुकुटमणि। और इस किले को किस नाम से जाना जाता है? एक इसको बोला जाता है मॉनसून पैलेस। क्या बोला जाता है? मॉनसून पैलेस। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है मॉनसून पैलेस कहाँ पे स्थित है या कौन से किले को बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सज्जनगढ़ किला उदयपुर में है, निर्माण किसने करवाया, तो मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है ये भी यहीं पर स्थित है। और किन किन नामों से इस किले को जाना जाता है? एक तो इसको बोला जाता है वाणी विलास पैलेस, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। एक इसको बोला जाता है मेवाड़ का मुकुटमणि, ये भी महत्वपूर्ण है। एक इसको बोला जाता है मॉनसून पैलेस। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन से किले को बोला जाता है? तो उदयपुर के सज्जनगढ़ किले को बोला जाता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा किला है? एक चोमू का किला भी है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। कौन सा किला है? चोमू का किला। तो ये कुछ छोटे छोटे किले हैं जिनके बारे में आप बस इनके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, निर्माण किसने करवाया, कौन कौन सी इसमें मुख्य इमारतें बनी हुई हैं। अगर इसका कोई अन्य नाम है तो वो ध्यान रखना है, आकृति वगैरह वो ध्यान रख लेना, ठीक है? तो अगला किला है चोमू का किला। कहाँ पे स्थित है? चोमू के अंदर। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था?
किसका निर्माण करवाया था? करण सिंह ने। किसको, किसने करवाया था? करण सिंह ने। तो आपको नाम ध्यान रखना है, करण सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। और किस किस नामों से जाना जाता है चोमू के किले को? तो चोमू का किला तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है चोमू के अंदर है। तो और किस नामों से जाना जाता है? अगर हम इसके अन्य नामों की बात करें, अन्य नाम, तो और किन नामों से जाना जाता है? इस किले को बोला जाता है चोमूहा गढ़। क्या बोला जाता है? चोमूहा, यानी कि चार मुंह वाला, मुंह यानी मुख, चोमूहा गढ़, चार मुख वाला किला। तो एक तो इसको बोला जाता है चोमूहा गढ़, और क्या बोला जाता है? एक इसको बोला जाता है रघुनाथ गढ़। क्या बोला जाता है? रघुनाथ गढ़, रघुनाथ गढ़ बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? एक इसको बोला जाता है धार धारा गढ़। तो ये नाम जो हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, धार धारा गढ़। चोमू के किले को किन किन नामों से जाना जाता है? तो एक तो बोला जाता है चोमूहा गढ़, यानी कि चार मुख वाला गढ़। एक बोला जाता है रघुनाथ गढ़ और एक बोला जाता है धार धारा गढ़। इस किले के अंदर एक मंदिर भी बना हुआ है, तो कौन सा मंदिर बना हुआ है इस किले के अंदर? ये जो चोमू का किला है, इसमें एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है हवा मंदिर। कौन सा मंदिर है? हवा मंदिर। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, हवा मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए हवा मंदिर कौन से किले में है, ऑप्शन में चोमूहागढ़, रघुनाथगढ़ या धार धारागढ़ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है चोमू का किला बोले, ठीक है? तो ये हमने चोमू के किले के बारे में, छोटा किला है तो इसके बारे में हमने जो भी मुख्य बातें थी वो देख ली। तो ये हमने राजस्थान के किलों के बारे में, लगभग राजस्थान के जो महत्वपूर्ण किले हैं वो अपन ने सारे कवर कर लिए, ठीक है? तो राजस्थान के किले हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है? तो राजस्थान की कला और संस्कृति हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है, थोड़ा बहुत बचा है इसमें, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स? पढ़ते रहिए।